तीखी आषाढ़ पूरी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है जो विशेष रूप से आषाढ़ महीने के दौरान बनाई जाती है। यह पूरी अपने चटपटे और मसालेदार स्वाद के लिए जानी जाती है। इसके बेसिक आटा गेहूं का आटा होता है, बाकी घर के कुछ आटे मिलाकर बनाए जाते हैं। ये पूरी 6 से 7 दिनों तक आराम से टिकती है। बच्चों के टिफिन के लिए, टी टाइम स्नैक्स के लिए या छोटी मोटी भूख के लिए ये पूरी परफेक्ट है। तो रेसिपी देख लेते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में हम 2 कप गेहूँ का आटा लेंगे, उसी में 1/2 कप बेसन हम ऐड करेंगे, उसी में 1/2 कप ज्वारी का आटा भी हम लेंगे। आप चाहे तो 1/4 कप चावल का आटा भी ले सकते हैं। 1/4 कप सफ़ेद तिल हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा कम या ज़्यादा तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी टेस्ट मिलती है। 1 टीस्पून अजवाइन हम हाथ में ऐड करेंगे और इसे रब करते हुए इसमें ऐड कर देंगे। पूरी क्रिस्पी होने के लिए 1/4 कप रवा या सूजी हम इसमें ऐड कर देंगे। पूरी को चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए 1 मिक्सी जार में हम धनिया लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेंगे, और हरी मिर्च ऐड करेंगे। टेस्ट के अनुसार ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली है, ये कम तीखी हरी मिर्च है। इसी के साथ 1 इंच अदरक और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लेंगे और थोड़े से करी लीव्स हम इसमें ऐड करेंगे और इसे में 1 टीस्पून जीरा हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी मिला के या बिना पानी मिलाए हम इसकी फाइन पेस्ट बनवा लेंगे। इसे पूरी की टेस्ट एक समान आती है और बहुत स्वाद बढ़ता है। सारा मसाला हम मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देंगे। ये पूरियाँ बनाने में बहुत ही आसान है और तेज़ी से बनकर रेडी हो जाती है। इसे में हम बाकी मसाले भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे। हम 1/4 कप ऑयल मोयन के लिए गैस पर कढ़ाई में रख देंगे और इसे गर्म होने देंगे। आटे में हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। हमने पूरी में सारे मसाले एकदम सही मात्रा में डाले हैं, ना तो किसी का टेस्ट ज़्यादा मिलेगा और ना ही कम। एकदम परफेक्ट मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। इसमें उपयोग किए जाने वाले मसाले न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। और गर्मा गर्म धुआँ निकलता हुआ ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम चम्मच से इसे मिक्स करेंगे क्योंकि हाथ जलने का खतरा रहता है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/2 कप के करीब दही ऐड करेंगे। दही से बहुत ही अच्छी पूरी की टेस्ट आती है, थोड़ी खट्टी टेस्ट आती है और पूरी का स्वाद बढ़ जाता है। दही हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स होने के बाद हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ज़रूरत के अनुसार ही हमें पानी का इस्तेमाल करना है, हमें एकदम टाइट डो गूंदना है। हमने इसमें ज्वारी का आटा इस्तेमाल किया है इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है और हमें आटे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देनी है क्योंकि ज्वारी का आटा इसमें है, नहीं तो ज्वारी का आटा पानी छोड़ने लगता है। आटा गूंदते ही हम तुरंत पूरियाँ बेल लेते हैं। ऑयल हम मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और हमें पूरियाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करनी है। मैंने एक बड़ी सी लोई ली है और अब हम इसे कटर की हेल्प से छोटी छोटी पूरियाँ बनाएंगे। तो बड़ी सी लोई लेंगे और इसे आटे में हम डिप कर लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो। आप चाहे तो ऑयल लगाकर भी पूरियाँ बेल सकते हैं। लोई को आटा लगाकर रेडी कर ली है। अब हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। आप चाहे तो पूरी को ट्रायंगल या स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं, ये भी अच्छी लगती है टेस्ट में। और हमारी बड़ी रोटी बेलकर रेडी है। रेगुलर पूरी से हम थोड़ी सी पतली बेलेंगे ताकि फ्राई होते वक्त अच्छे से फ्राई हो जाए और मॉइस्चर कम रहे, क्योंकि हम ज़्यादा दिन के लिए भी बना लेते हैं। और इसे कटर की हेल्प से छोटी छोटी पूरियाँ काट लेंगे। अगर आपने ये पूरियाँ अभी तक नहीं बनाई हैं तो तुरंत ही बनाने के लिए लीजिए। और आपको इस पूरी का स्वाद कैसा लगा ये कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। ऑयल चेक कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया है और अब हम पूरियाँ छोड़ देंगे। एक के पीछे एक लगातार पूरी छोड़ेंगे हम और अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। क्रिस्पी, करारी, तीखी, मज़ेदार पूरियाँ बनकर रेडी है। आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे हौसले बुलंद करता है और नई नई रेसिपी आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
पूरियाँ रेडी है, आप ट्रैवलिंग के लिए भी ले जा सकते हैं, टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, अचार के साथ खाइए या ऐसे भी। ये पूरियाँ ऐसी मज़ेदार लगती है। चटपटी पूरी बनकर रेडी है। मेरी रेसिपी देखने के लिए रूपाली आनंद को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद एंड एन्जॉय।